बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, यह देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान के अंदर सभी संस्थानों को जिम्मेदारी दी गई है और सभी संस्थान को अधिकार भी दिए गए हैं। चुनाव कराने की जिम्मेदारी देश के निर्वाचन आयोग को दी गई है। निर्वाचन आयोग जैसा भी निर्णय करे सभी को मान्य होगा। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कहा कि देश के दूसरे राज्यों के अनुसार देखने पर बिहार देश के अन्य राज्यों के अनुपात में बहुत नियंत्रण में है। देखिए, यह देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संविधान के अंदर सभी संस्थाओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं और सभी संस्थानों को अधिकार भी दिए गए हैं। चुनाव कराने की जिम्मेवारी देश के निर्वाचन आयोग को दिया गया। निर्वाचन आयोग जैसा भी निर्णय करता है उसके अनुसार हम सब लोग। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के नाते आपको अभी स्थिति जो आकलन कर पा रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है कि 2 महीने में बिहार चुनाव के लिए तैयार हो पाएगा? मैं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री के नाते आकलन करके जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है वो स्वास्थ्य सुविधाएं देना हमारा काम है और उस काम को हम कर रहे हैं। लेकिन संविधान ने विभिन्न संस्थाओं को अधिकार दिए, उनको जिम्मेवारियाँ दी हैं। हर संस्थान के पास जो जिम्मेवारी और अधिकार है उसके तहत काम करना होता है। देश के निर्वाचन आयोग को इस देश के अंदर चुनाव की व्यवस्थाओं का संचालन करना होता है। वो तय करता है कब कहाँ क्या कैसे करना है और राजनीतिक दलों से भी विचार विमर्श कर रहा है। RJD ने तो मना कर दिया कि चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको डेफर कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। पता नहीं, मैंने तो नहीं सुना है। आपने नहीं सुना? मैंने तो नहीं सुना है ऐसा। कल भी जो टीम गई थी किसी राजनीतिक दल ने अपनी अपनी बातें कही जरूर, डेफर करने की बात तो मैंने किसी से नहीं सुनी। दूसरा सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने 31 जुलाई तक आप लोगों से सजेशन मांगा है कि चुनाव का प्रचार करने का तरीका क्या होना चाहिए। कई पार्टियां मांग रही हैं कि ट्रेडिशनल मोड ऑफ कैंपेनिंग होना चाहिए, रैली जब हो तभी चुनाव हो। आपको क्या लगता है इस कोरोना काल में क्या वर्चुअल रैली ही व्यवस्था ठीक है? आप लोग क्या सजेशन देने वाले हैं? नहीं, जो भी दलगत सुझाव और व्यवस्थाएँ जानी है, हमारे दल में अध्यक्षीय व्यवस्था है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हमारे प्रदेश के अध्यक्ष इन विषयों पे समेकित नेताओं से। तो वो बीमार हैं? नहीं, अभी तो वो 3-4 दिन और रहेंगे, लेकिन 31 में अभी बहुत दिन। आप भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और हाँ। आप कमेटी में गए भी थे इलेक्शन कमीशन के पास जब सजेशन देने, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं तो जब सजेशन देने गया तो वहाँ जो दल कल दिल्ली गए वो सारे लोग तो चुनाव कराने की बात कर रहे थे और चुनाव कराने के लिए वो लोग सारा सुझाव दे रहे थे मेरे सामने, मैंने तो सुना है। और मेरा यही है कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष निर्णय करके सभी नेताओं से विचार विमर्श करके सुझाव देता है और हमारे अध्यक्ष ने यह। आपको क्या लगता है, ट्रेडिशनल मोड ऑफ कैंपेनिंग होना चाहिए या वर्चुअल रैली ही व्यवस्था अभी कोरोना काल में ठीक रहेगा? नहीं, हमारे अध्यक्ष ने सुझाव दिया था कि चुनाव 1 या 2 फेज में कराना चाहिए। जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका हम सब लोग को चुनाव प्रचार में ध्यान रखना चाहिए और ट्रेडिशनल तरीके भी अपनाए जाने चाहिए और आधुनिक तरीके दोनों को मिला के करना चाहिए, ये सुझाव हम लोगों ने। ट्रेडिशनल तरीके में तो हेलीकॉप्टर और रैली तो हो नहीं सकती है। अब उसी को तो विस्तार से सुझाव मांगा है चुनाव आयोग ने, तो विस्तार से पार्टी और सुझाव देगी।